नए साल पर दुनिया भर में करीब 3,92,078 बच्चों ने जन्म लिया। यूनिसेफ ने यह आंकड़ा जारी किया है। यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेनरिएटा फोरे ने बताया कि 1 जनवरी 2020 को दुनिया में 3,92,078 बच्चों ने जन्म लिया है, जिनमें सबसे ज्यादा 67,385 बच्चे भारत में जन्म लिया, 46,299 बच्चों ने चीन में जन्म लिया और लिस्ट में चीन का दूसरा नंबर है। अनुमान के मुताबिक पहला बच्चा फिजी में और आखिरी बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ। आधे से अधिक बच्चों का जन्म 8 देशों में हुआ। लिस्ट के मुताबिक भारत में 67,385, चीन में 46,299, नाइजीरिया में 26,039, पाकिस्तान में 16,787, इंडोनेशिया में 13,020, यूएस में 10,452, कांगो में 10,247, इथोपिया में 8,493 बच्चों ने जन्म लिया है। यूनिसेफ हर साल नए साल के दिन को इस रोज पैदा हुए बच्चों के लिए शुभ दिन के रूप में मानता है। हालांकि दुनिया भर के लाखों नवजात शिशुओं के लिए उनके जन्म का दिन बहुत कम होता है। 2018 में 2.5 मिलियन नवजात बच्चे अपने जन्म के पहले ही महीने में चल बसे। इनमें से अधिकतर बच्चे प्री मैच्योर बर्थ डिलीवरी के वक्त आई परेशानियों और इन्फेक्शन के कारण चल बसे। इन मौतों को रोका जा सकता था अगर सही वक्त पर सही इलाज मिला होता तो। पिछले 3 दशकों में शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। अपने 5वें जन्मदिन तक साइव करने वाले बच्चों की संख्या पहले की तुलना में दोगुनी हो गई है। वहीं दूसरी ओर जन्म के पहले महीने में जान गंवाने वाले बच्चों की संख्या 1990 में 40% थी, लेकिन 2018 में ये 47% थी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।